नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारतीय रेलवे धीरे धीरे रेल यातायात सामान करने की दिशा में अग्रसर है। उत्तर रेलवे में कुछ अनारक्षित ट्रेनें जिनके लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसी ट्रेनें चलाने संबंधी आदेश जारी हुआ है। वहीं हम बात करें सतपुड़ा रेलवे, जो कि पूर्व में नैरोगेज ट्रेनों के लिए सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हुआ करता था, जिसे कि धीरे धीरे ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया गया। छिंदवाड़ा से इतवारी रेलखंड के लिए कल घोषित ट्रेन के बाद में आज एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि था जबलपुर गोंदिया रेलखंड, जो कि पिछले दिनों अनावरित हुआ है। इस पर वर्तमान में गया चेन्नई एक्सप्रेस चल रही है। इसके बारे में रीवा इतवारी तथा जबलपुर चांदा फोर्ट स्पेशल ट्रेनें शुरू करने संबंधित रेक तैयार रखने हेतु निर्देशित करने की बात कही गई है। इस पत्र के जारी होते ही सोशल मीडिया सहित विभिन्न गलियारों में हलचल मच गई थी तथा ट्रेन इतनी जल्दी शुरू होने पर संशय होने लगा था। लेकिन रात में ही रीवा इतवारी उद्घाटन विशेष तथा जबलपुर चांदा फोर्ट उद्घाटन विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी हो गई, जिसके अनुसार 21 फरवरी को रीवा इतवारी उद्घाटन विशेष गाड़ी शाम 4:30 पर रवाना होगी, जो कि इतवारी सुबह 6:50 पर अगले दिन 22 फरवरी को पहुंचेगी। जबलपुर चांदा फोर्ट गाड़ी भी शाम 4:30 जबलपुर से रवाना होगी, जो कि चांदा फोर्ट रात 1 पहुंचेगी। इन ट्रेनों के रेगुलर रन में इन्हें त्रिसाप्ताहिक के रूप में चलाया जाना है। 017-54, 017-53 रीवा इतवारी रीवा हफ्ते में 3 चलने वाली गाड़ी रीवा से सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी, वहीं इतवारी से मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलाई जाएगी। इसकी समय सारणी पूर्व में प्रसारित की गई थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं जबलपुर चांदा फोर्ट गाड़ी भी हफ्ते में 3 चलाई जाएगी, जो कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को जबलपुर से तथा चांदा फोर्ट को भी इन्हीं दिनों में चलाई जाएगी। इनका संचालन इलेक्ट्रिक इंजन से किया जाना है। 21 फरवरी को शाम 4:30 माननीय रेल मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे तथा जनता को इन ट्रेनों के शुरू होने से निश्चित तौर पर काफ़ी फायदा मिलेगा। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।